ये प्रश्न इसीलिए इतना अच्छा है जी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको भी नहीं हमारा जैसा साधकों को भी पहले पहले था जी। यही प्रश्न हम गुरु से भी पूछते थे, उन्होंने एक बात बोला है जी, जैसा विश्वामित्र को उनका गुरु ने ऋग्वेद पकड़ाया, पहले ये पढ़ो जी, उन्होंने एक श्लोक में एक मंत्र में उनका ध्यान केंद्रित हो गई, वो उनको बहुत अच्छा लग गई, तो गुरुजी के सामने गया, गुरुजी मैं इसका आगे नहीं जा पा रहा हूँ, बोले उसका भी ध्यान करो जी। वो मंत्र वो है जो आज आप गायत्री मंत्र बोल के पढ़ रहे हैं जी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जी। ये मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है तीसरा चैप्टर में, उसके बाद उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं किया, लेकिन एक मंत्र ऐसा साधना किया होगा, ऐसा बोला जाता है कि आप 23 लाख बार गायत्री मंत्र जाप करेंगे आपको कुछ पावर्स आते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक बार एक मंत्र पढ़ने से आपको चमत्कार हो जाए, ये हो सकता है महातपस्या फल हो मिल गया तपस्वी, कभी कभी शायद भगवान ही उस रूप में आ जाता होगा जी, उन लोगों को ही होता होगा, हम जैसा जो हम भी साधक हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्र में एक बोल दूं आप एक बार करने से वो हो जाए, ऐसा तो होता भी नहीं है। अच्छा। और जैसा जैसा हमको दर्शन शास्त्र में मेरे को एक लाइन मिली, मैं उसको लेके चल रहा हूँ जी, और तीसरा वेद यजुर्वेद में मेरे को और एक मिली, वो उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आनोभद्रः कृतो यन्तः विश्वतः, ये इसका मतलब मैं क्या सोचता हूँ, शायद मेरे को ग्लोबल सिटीजन बनना है या विश्वात्मा बनना है, इसीलिए शायद ये मंत्र मेरे को विश्वात्मा बनाएगी। अच्छा। जैसा हमको बोला गया है विश्वासम फलदायकम। अच्छा। जो आप विश्वास रखेंगे ऐसा आप हो जाएंगे, लेकिन आप कितना स्ट्रांग विश्वास रखे हैं ये आपका संकल्प बल से होता है, आप जो चाहते वो बनिएगे, पक्का बनेंगे, लेकिन कितना विश्वास से कितना संकल्प लेके चलेंगे दैट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, फेथ मूव्स माउंटेन्स, डेफिनेटली इट विल हैपन, बट हाउ स्ट्रांगली यू वांट इट, हाउ बैडली यू नीड इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपका संकल्प बल से होता है। तो आपको, हाँ, मैं अगर आपका गुरु होता हूँ, वैसे तो मैं कभी अभी तक शिष्य नहीं बनाया हूँ, बनाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन में गुरु शिष्य परंपरा नहीं जी, मित्रता परंपरा चाहिए। अच्छा। हो सके तो मैं विश्व का मित्र बनूं, शायद अभी विश्वामित्र नहीं है, वो जगह मैं फुलफिल करूं। अच्छा। तो ऐसा आपको मित्रता के रूप से मैं एक सजेशन दे सकता हूं जी, आप चारों वेद में आपको तो कोई ना कोई नाम अच्छा लगता होगा, चाहे सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, एक वेद का नाम लीजिए अभी, कभी भी ऋग्वेद, ऋग्वेद आप उसको पढ़िए, शायद उसमें कोई ना कोई आपको अच्छा लगने वाले मंत्र मिलेगा, क्योंकि हर शब्द ब्रह्मा तो है ही, सरस्वती छुपी हुई है। अच्छा। सरस्वती माता जी आपको कौन सा रूप में पकड़ना चाहेगी वो आप जानेंगे, सरस्वती माता जानेंगे। अच्छा। आपका गुरु भी नहीं जान पाएंगे जी, क्योंकि सरस्वती माता को जैसा हमने बचपन से सरस्वती पूजा कर रहे हैं, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणीम विद्यारंभम करिष्ये सिद्धिर्भवति मे सदा, जैसा आपने सरस्वती माता को बुलाई, मैं विद्या शुरू कर रही हूँ, मेरे को आप विद्या दो, सरस्वती माता आ गई, सरस्वती माता कहाँ रह के क्या काम करना है आप, ये भी आप सरस्वती माता से बोलना पड़ेगा, इसीलिए उसमें हमको ये दर्शन शास्त्र में श्लोक मिलता है, वाक अर्धाविव संतृप्त हो वाकर्थ प्रतिपत्तये जगत अर्पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, इसका मतलब ये है ये माँ सरस्वती आप मेरा वाक और उसका अर्ध में रहो, चाहे मैं कुछ भी बकूं वो अच्छा हो जाए, लोगों को अच्छा लगे और लोग मेरे को पंडित महा ज्ञानी समझ ले, कुछ बकूं मैं कुछ भी बकूं, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूं, मेरा सहायता करना माँ का आपका काम है, और मेरा अच्छा हो गलती हो सब आपका देन होना चाहिए, इसलिए आप मेरा वाक और अर्ध में रहिए और उसका अच्छा मीनिंग दीजिए। तो ऐसा हम सरस्वती माता को पहले हमारा अंदर धारण करें, उसके बाद आपको जो अच्छा मिले हैं उसको लेकर पकड़ के चलिए, और हमारा गुरु मंत्र दिया है वो भी मैं यूज करूंगा, और जो मेरे को अच्छा लगा
आनोभद्रा कृतोयन्ति विश्वतः विश्वं पुष्टं ग्रामीण अस्मिन् अनादुरम्। ये काम मैं तो करता ही रहूंगा। मालूम है अभी तक कितने लाखों बार कर लिया होगा मैं, शायद उसका शक्ति भी मेरे को मिल रहा होगा। और गुरु ने पंचाक्षरी, एक वैरायटी तरीके का पंचाक्षरी है, ये दक्षिण भारत में भी चलता है, इधर का लोग कोई करता नहीं है। ये रावण का दादाजी पुलस्त्य ब्रह्मा ने बनाया। अच्छा, ये इसको बोलते हैं रावण कृत पंचाक्षरी बोलता है। एक्चुअली ये रावण ने नहीं लिखा है, रावण कृत बोले तो रावण ने लिखा जैसा बोला जाता है, बट एक्चुअली ये लिखा है उनका दादाजी पुलस्त्य ब्रह्मा। अच्छा, ये पंचाक्षरी ऐसा चलता है, ओम नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वाय नमस्सी या नमः शिवा। और ये स्पीड में कैसा आती है, दोबारा ओम नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वाय नमस्सी या नमः शिवा। अच्छा, ऐसा एक बार श्लोक होने से आप 108 शिव आराधना कर लिया। अच्छा, इसमें इतना शक्ति। थोड़ा स्लो बताइए। ओम नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वाय नमस्सी या नमः शिवा। अच्छा, नमः शिवाय आप 5 बार लिख रहे हैं, और कोई भी एंगल से देखेंगे तो आपको नमः शिवाय दिखेगा। 108 बार हो गई। तो आप जब इसको, इस मंत्र को 108 बार करेंगे, ये हो गई 1 करोड़। अच्छा, तो आपको 10 मिनट में 1 करोड़ बार शिवकोटि करना है, तो इससे बड़ा मंत्र और कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बोलना बड़ा कठिन है। आपको इसमें सरस्वती का सहायता लेना पड़ेगा, ब्रह्मा का सहायता लेना पड़ेगा, और रिदम पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेन रिदम होता है, क्योंकि हर मंत्र का एक रिदमेटिक शक्ति होती है, इसलिए बोलते हैं ना संगीत ब्रह्मा। अच्छा, संगीत सरस्वती, उसके साथ जब आप चलेंगे आपका ब्लड फ्लो, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्रेन ग्लैंड्स एंड आपका जो फ्लूइड्स है, चाहे आइस में भी फ्लूइड्स है, टिम्पैन में भी फ्लूइड्स है, और कई तरीके का फ्लूइड्स है, वो जलतरंगिणी करना चाहिए आपका अंदर। अच्छा, आप तो सुना होगा नव रखे जलतरंगिणी बजाते हैं टिंग 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 बोल के, ऐसा शब्द आपका अंदर हो रहा है, उसको आप स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, ये मंत्र उसको स्ट्रीमलाइन करेगी। ओम नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वाय नमस्सी या नमः शिवा। ये रिदम पकड़ना, बहुत लोग रिदम नहीं पकड़ पाते, आप ट्राई करिए। मैं पकड़ा हूं और गुरु ने बोला है चलो यही तुमको, तो मेरा 2 मंत्र मेरा साथ चलती है। मैं साइलेंट भी बैठा हूं तो अंदर चल रही है। अच्छा, शायद फिर से और एक बार बताऊंगा, ओम नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वाय नमस्सी या नमः शिवा। ये गुरु मंत्र भी है और मेरे को बहुत प्यारा मंत्र हो गई। और दूसरा, मैंने कुछ चूज किया है दर्शन शास्त्र से, आनोभद्रा कृतोयन्ति विश्वतः विश्वं पुष्टं ग्रामीण अश्विन अनादुरम्। 2 मंत्रों को मैं जोड़ा हूं, शायद वो भी मेरा साधना चल रही है, शायद एक दिन मैं भी बनूंगा, विश्व को चलाने का एक मौका मेरे को भी मिलेगी। जी, विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत, चाहे 100 करोड़ जन्मों के बाद मिले, लेकिन मैं तो लाइन में खड़ा हूं। अच्छा, ये अगले जन्म हो जाए या 100 करोड़ जन्म के बाद हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसी जन्म में इसी शरीर से मैं वो स्थान में चले जाऊं अगले। मेरा आत्मा ये शरीर छोड़ते ही कुछ ऐसा मैं उस जगह पे चले जाऊं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन हमारा संकल्प ये होना चाहिए इसके बाद वही, बट वो कब भी हो, जैसे देखे परमात्मा हमारा पिताजी है, भूमाता हमारा माँ है। अच्छा, इन दोनों के बीच में मेरे को कुछ भी हट करने का है, लेकिन मैं अच्छा पुत्र बनूं पहले। ए गुड बॉय विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम मदर एंड फॉर फादर। तो पेरेंट्स से आपको चाहिए यू बी ए गुड मैन, गुड बॉय। सो ये साधना चल रही है, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।